19 मई को लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण का मतदान होना है। कल पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, नालंदा, काराकाट, जहानाबाद और सासाराम लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। वहीं पटना जिला के पटना साहिब लोकसभा के 21,42,032 और पाटलिपुत्रा लोकसभा के 19,18,061 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। पटना जिला प्रशासन ने कल के चुनाव के लिए पूरी कमर कस ली है। पटना जिला में कुल 4,057 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,715 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। 159 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिसमें सभी मतदान कर्मी महिला होंगी, जिसे सशक्त मतदान केंद्र का नाम दिया गया है। 5 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जिसमें PWD के कर्मचारी होंगे, जो अपनी स्वेच्छा से मतदान कराने का फैसला लिया है। 13 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो इको फ्रेंडली होंगे, जो नगर निगम की पहल पर बनाया गया है।